पहली बार सर्विस में आने के 40 से अधिक वर्षों के बाद रशियन नेवी ने बीते दिनों अपनी न्यूक्लियर पावर्ड स्ट्रेटेजिक सबमरीन डिमित्री डोंस्कॉय को डिकमीशन कर दिया है और इसके साथ ही पनडुब्बियों के इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो गया है। जी हां गाइस, कभी मानव जाति के लिए माने जाने वाले सबसे घातक और सबसे बड़े हथियारों में से एक डिमित्री अब टुकड़ों में टूटने के लिए सेवेरॉड विंग्स नेवल बेस जा रही है। बता दें कि 1980 के दशक में कमीशन की गई 6 अकुला क्लास की नॉर्दर्न फ्लीट सबमरीन्स में से डिमित्री पहली थी, जिसका नाटो रिपोर्टिंग नेम टाइफून था और इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन होने का स्टेटस था। लेकिन जुलाई 2012 में लॉन्च हुई रूस की 608 फीट लंबी बेलगोरॉड परमाणु पनडुब्बी ने यह स्टेटस इससे छीन लिया। खैर, अकुला क्लास की हर सबमरीन 6 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब और 20 SN-20 स्टर्जन SLBM सेलेस थी, जबकि प्रत्येक स्टर्जन मिसाइल में 10 वॉरहेड्स होते हैं, जिनमें हर एक वॉरहेड 100 किलोटन विस्फोटक कैरी करता है, जो किसी भी जंग को जीतने के लिए पर्याप्त है।